नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज, मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे ट्रिगर फिंगर और ट्रिगर थंब के बारे में। आपने देखा होगा जब हम अपनी फिंगर को बैंड करते हैं और उसको स्ट्रेट करते हैं तो एक कट जैसा साउंड हमें सुनाई देता है। कुछ लोगों को यह परेशानी यंग एज में भी होती है, ज्यादातर यह परेशानी हमें ओल्ड एज में देखने को मिलती है। तो बात करते हैं कि ये हमें जो साउंड आता है हमारी फिंगर में किस वजह से आता है। तो हमारी फिंगर में एक टेंडन होता है, जब वो मसल के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम अपनी फिंगर को बैंड कर पाते हैं। इस टेंडन के साथ हमारी कुछ पुलीज होती हैं जो टेंडन को होल्ड करके रखती हैं और हमारा टेंडन पॉप आउट नहीं होता। लेकिन कुछ रीजन ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारा टेंडन इन्फ्लेम्ड हो जाता है और जब हम अपनी फिंगर को बैंड करते हैं तो वो उन पुलीज में जाके स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम फोर्सफुली अपनी फिंगर को स्ट्रेट करते हैं तो हमें कट जैसा साउंड सुनाई देता है। इस वीडियो में हम उन कारणों और इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो का अलर्ट आप तक पहुँच सके। आइए बात करते हैं ट्रिगर फिंगर कैसे होता है और हम कैसे पहचान सकते हैं कि आपको ट्रिगर फिंगर है या नहीं। ट्रिगर फिंगर मोस्टली हमारी रिंग फिंगर में होता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी और फिंगर्स और थंब को भी इन्वॉल्व कर सकता है। कुछ लोग अपने पेन को इग्नोर करके पेन किलर को लेना स्टार्ट कर देते हैं। पेन किलर लेना एक ऑप्शन नहीं है, इससे अच्छा है कि आप एक्सरसाइज करके विदाउट मेडिसिन अपने पेन को ट्रीट करें। लेकिन अगर आप पेन किलर लेना स्टार्ट भी करते हैं तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आपको लेना चाहिए। स्टार्टिंग में हमारे ट्रिगर फिंगर में हमें पेन फील होता है, लेकिन अगर हम उसको इग्नोर करते हैं या फिर रेस्ट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाता है। लोग दोबारा से अपनी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस बार उनको पेन के साथ साथ स्वेलिंग भी दिखाई देती है। उनको अपनी फिंगर के इस एरिया में बहुत ज्यादा स्वेलिंग दिखाई देती है और आइसिंग करने पर, रेस्ट करने पर वह स्वेलिंग भी खत्म हो जाती है और वो फिर से उन्हीं फोर्सफुल एक्टिविटी को करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस बार इनकी कंडीशन और ज्यादा वॉर्स हो जाती है और जैसे ही वो अपनी फिंगर को बैंड करते हैं तो वो उसको स्ट्रेट करने में असफल रहते हैं। इसके लिए उन्हें अपने दूसरे हैंड का यूज करना होता है और फिंगर को स्ट्रेट करने में उन्हें साउंड आता है। अगर इस चीज को भी वो इग्नोर करते जाते हैं तो इससे भी एक वॉर्स कंडीशन आती है, जिसमें आपको फिंगर को बैंड करने में और स्ट्रेट करने में दोनों कंडीशन में ही स्टक फील होता है। और कुछ कंडीशन ऐसी भी हो जाती है, अगर आप फोर्सफुली उन्हें स्ट्रेट करते हैं तो या तो आपका टेंडन ब्रेक हो जाता है या फिर आपकी स्वेलिंग इतनी इंक्रीज हो जाती है कि आप परमानेंट उसको स्ट्रेट कर ही नहीं पाते हो। तो आज हम इस वीडियो में इन एक्सरसाइज को बताएंगे जिन्हें करके आप ट्रिगर फिंगर को ट्रीट कर सकते हो। तो आइए अब बात करते हैं उन एक्सरसाइज के बारे में। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी डक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी फिंगर्स को और थंब को एक साथ ज्वाइन करना है डक की शेप की तरह एंड देन रिपीट करना है। यह एक्सरसाइज आपको दिन में 2 से 3 बार करनी है और 10 टाइम्स इसका रेपिटेशन होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं सेकंड एक्सरसाइज के बारे में। सेकंड एक्सरसाइज है आपकी स्क्वीज एक्सरसाइज। इसमें आपको फिंगर को बैंड करके फिस्ट बनानी है एंड देन टाइट उसको बंद करना है, देन रिलैक्स। यह एक्सरसाइज भी आपको दिन में 2 से 3 बार करनी है और 10 टाइम्स इसका रेपिटेशन होना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज के बारे में, जिसे टच एंड ट्रेस एक्सरसाइज बोलते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको फिंगर को टच करना है एंड देन ट्रेस लाइक दिस। यह एक्सरसाइज भी आपको दिन में 2 से 3 बार करनी है और 10 टाइम्स इसका रेपिटेशन होना चाहिए। इन 3 एक्सरसाइज को आप फॉलो करके अपनी ट्रिगर फिंगर और ट्रिगर थंब से छुटकारा पा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि वो कारण क्या है जिनकी वजह से हमें ट्रिगर थंब और ट्रिगर फिंगर जैसी परेशानी आती है। यह परेशानी अक्सर थायराइड और डायबिटीज के लोगों में अधिक देखी जाती है या फिर जो लोग जिम में ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करने के कारण वो अपनी फिंगर को डैमेज कर लेते हैं, या फिर जो लोग डेली एक्टिविटी में बहुत ज्यादा फोर्सफुल एक्टिविटी करते हैं जैसे स्क्वीजिंग या फिर लिफ्टिंग करना, तो इन कारणों की वजह से भी आपकी फिंगर्स पर स्वेलिंग आ जाती है और आपका टेंडन डैमेज हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।